कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। बस एक बार हिम्मत करके निकल गए तो फिर खूब सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं। सफर में संभल कर चलने वाले काफी मिल जाएंगे। मैं तो इन सड़कों पर दौड़ना चाहती हूँ, आसमान को छूना चाहती हूँ, कुदरत की खुशबू महसूस करना चाहती हूँ, पानी पर चलना चाहती हूँ। इन शॉर्ट, मैं वो सब करना चाहती हूँ जो मुझे खुशी देता है। हमेशा खुश रहने के लिए मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं होता। मुझे तो सफर का मजा भी जी भर कर खुशी देता है। मुझे पहाड़ों से इश्क हो गया है। इश्क ही तो है, चाहे किसी से भी हो। अब इसमें मेरी गलती क्या है कि मुझे पहाड़ों से हो गया। मुझे शहरों की भीड़भाड़ कभी पसंद नहीं आई। एक काम करो, मुझे यहीं छोड़ जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ, अपने पहाड़ों के पास। मैं ट्रेवल करती हूँ क्योंकि किताबों के पन्नों में किसी जगह की तस्वीर देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मौका मिलने पर खुद वहां जाना एक अलग ही सुकून देता है, पर मौके निकालने पड़ते हैं। इस बार लॉकडाउन खुलते ही मन किया कि पहाड़ों पे जाके अपना खुद का कैंप करें। निकल पड़े हम एक हफ्ते के इस कैंपिंग ट्रिप में उत्तराखंड में। हमारी गाड़ी पर लगा ये रूफटॉप टेंट अगले एक हफ्ते के लिए हमारा घर बन गया है। हमारे इस कैंपिंग ट्रिप में हमारे साथ साथ रहिएगा। Our camp is ready now. कैंप तैयार हो रहा है। मेरे हस्बैंड सुधीर बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको फिक्स करने में। इसके जो साइड्स हैं उनमें, टेंट के जितने भी साइड्स हैं उनमें ये वायर फिक्स करनी होती है, जो कि दोनों तरफ से होल्ड कर लेता है टेंट को, ताकि तेज हवा बारिश में ये टेंट जो है वो मूव ना करे। तो ये देखिए, एक वायर ये लगी है, ये लगी है, जितने भी कॉर्नर्स हैं टेंट के सबको फिक्स करना होता है थ्रू दिस वायर। तो बस अब वो वही करने में लगे हुए हैं एंड ही इज़ रियली वर्किंग वेरी हार्ड। दिस साइड इज़ आर विंडो साइड, ये हमारा विंडो साइड है एंड ये लैडर लगा है जिसके थ्रू इजीली हम अपने टेंट के अंदर जा सकते हैं। एंड टेंट के अंदर हम लोगों ने वाइट बेडशीट बिछाई है टू गिव इट अ वेरी कूल लुक। किस तरह से हमने उसको सेट किया है पूरा बेडिंग लगा के, आई विल शो यू दैट। सो ऑन दिस साइड ऑफ द टेंट ये एक
दिस इज एंट्री, ये भी एक एंट्री है जहाँ से हम अंदर जा सकते हैं. प्लस वी हैव दी ऑनिंग दिस साइड. ऑनिंग इज बेसिकली एक शेड यहाँ पे खुल के आ जाता है, जिसके नीचे इन केस ऑफ बारिश और सनी डेज आप उसके नीचे अपना जो भी कुकिंग सेटअप है या आप आराम से चेयर डाल के बैठना चाहते हैं आप वो सब कर सकते हैं. ये टेंट कवर के नीचे दिस इज द ऑनिंग. ये जो आपको दिख रहा है दिस इज बेसिकली द ऑनिंग. ये हमें कवर से निकाल के व्हेनेवर वी वांट दैट हम उसको यहाँ पे नीचे फिक्स कर सकते हैं. एंड उसके नीचे चेयर डाल के एंड वी हैव आर टेबल ऑल्सो, जिसको हम पूरा खोल के यहाँ पे आराम से, कॉम्पैक्ट सा टेबल है, खुल के बहुत बड़ा सा हो जाता है, तो उसके ऊपर आप अपने सारे काम वगैरह कर सकते हो जो भी कैंपिंग का है आपको. रंग लाई है. ओह माय गॉड, हमारे पास तो सनरूफ भी है. दिस इज आवर मून रूफ. ओह आवर बेडिंग इज वी हैव टू मून रूफ. कम कम गुड़िया, दिस इज मॉस्किटो नेट. हमारा पर्सनल घर है हमारी गाड़ी के ऊपर. तो यहाँ पे दो दो मून रूफ है. Amazing. सुना कितना बड़ा, ये तो पूरा king size bed है. चार लोग, चार लोग. King size bed है. Four people. Oh wow. वो वहाँ पे lake है. आपने lake दिखाया? Lake दिखाई. पता नहीं अब इनको कितनी दिखी कितनी नहीं दिखी, but हाँ मैंने lake दिखाई. मैं अपने shoes उतार के आती हूँ. जब तक आप इनको हमारा moon roof, sun roof जो भी है वो. मैं उल्टा होके बैठो, shoes वहीं टांग दो. So, hi guys. तो आज हम लोगों ने ये कैंप किया है. एक मेरे फ्रेंड की प्रॉपर्टी है उसकी पार्किंग में. एंड द प्लेस इज नौकुचिया ताल. एंड हम जहाँ हैं हमारे विंडोज़ के बाहर झील का पूरा व्यू दिख रहा है. और ये हमारा एक कैंप है जो रूफ टॉप टेंट है हमारा. एंड प्रत्याशा इज रिमूविंग हर शूज़. इसमें काफ़ी एरी है. सी वन यू हैव अ विंडो हियर
another there, one in the front, all the ways. So आप ये मून रूफ को भी आप हटा सकते हो इफ इट इज नॉट रेनिंग, सो यू कैन रिमूव द आउटर कवर, रेन कवर. सो वी कैन सी द स्काइज, वी कैन सी द स्टार्स फ्रॉम दिस प्लेस. एंड I'm coming. Oh my god. No? Oh my god. Comfortable, Gudiya? Yeah. Worth having this thing? Worth. It is worth. Ow! Sorry. I'm pulling up the... So, I think we are looking cute in this. So, guys... I'm just showing you the lake view from here. ये हमारा विंडो है, वो सामने देखिए पूरा लेक है. It's a beautiful location. We are camping up right now. And बादल फ्लो कर रहे हैं हमारे टेंट के अंदर बिल्कुल अभी. एलईडी लाइट्स अपने टेंट को और सुंदर दिखाने के लिए हमने एलईडी लाइट्स भी पूरा इसके कॉर्नर्स पे अरेंज कर दिए हैं, जो कि थोड़ा सा और रात होने पर हम लोग उसको जलाएंगे और फिर सुंदर सुंदर टेंट का व्यू आप लोगों को दिखाएंगे. तो फाइनली हमारा टेंट फुल सेटअप हो चुका है और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगी बिकॉज ये हमारा फर्स्ट टाइम था. बट अब आपको मैं व्यू दिखाती हूँ कि इतना अमेजिंग व्यू है. फुल बादल है झील के ऊपर और हमारी गाड़ी के तरफ भी क्रॉस कर रहे हैं बादल. पूरा मिस्ट आ चुका है और आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि रात में यहाँ का मौसम कैसा होने वाला है. तो पूरा हमारा घर सेटअप हो चुका है यहाँ पे और इतना एक्साइटेड हूँ यहाँ पे अपने कैंप नाइट स्पेंड करने के लिए. आई मीन दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और बहुत मेहनत की है मेरे हस्बैंड सुधीर ने ये सेटअप करने के लिए. एंड इट इज़ वर्थ, आई एम टेलिंग यू इट इज़ वर्थ. और बिल्कुल हमने ये जो अपना टेंट है ये बिल्कुल एक सेफ जगह पे गाड़ी पार्क करके एक रिजॉर्ट की पार्किंग में ही हमने ये अपना कैंपिंग सेटअप किया है. तो कोई भी डरने की बात नहीं है, एकदम सेफ जोन है. तो अभी हम हैं अपने टेंट के अंदर, अपनी कार के ऊपर. गाड़ी में पूरा बेडिंग सेटअप कर दिया है, आप देखिए फुल बेडिंग सेटअप हो चुका है हमारी गाड़ी में. और बस अब थोड़ा सा अभी मैं अपनी वीडियोस एडिट करूँगी ताकि अपने डेली के व्लॉग्स में आप लोगों को दिखा पाऊँ. और फिर उसके बाद सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे. ऑब्वियसली खुले में सो रहे हैं, चारों तरफ से ओपन है, तो सुबह अपने आप
आंख खुली जाएगी और सुबह उठ के जो व्यू होगा, आई कैन इमेजिन कितना सुंदर होगा कल का व्यू। आइए आइए, खोल दूं? ओके, खोलेंगे। ओके, तो ये एंट्री हो गई है। आ जाओ पीछे। अभी तो उतनी ठंड नहीं है, बट आई एम श्योर कि रात होने तक, रात तो हो चुकी है, जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए हमने एक पतला और एक अच्छा खासा मोटा ब्लैंकेट निकाल लिया है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही दिन नहीं है हमारा कैंपिंग का, अभी हमें एक हफ्ते तक लगातार कैंपिंग ही करनी है, तो वी डोंट वॉन्ट कि किसी की भी तबीयत खराब हो जाए, तो इसीलिए हमने डबल ब्लैंकेट्स ले लिए। चलिए सोने, आप लोग भी एक अच्छी सी नींद ले लीजिए, कल सुबह फिर से मेरा एक नया ब्लॉग आएगा आप लोगों के लिए, तो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ट्रेवल विद प्रत्याशा, आई एम ट्राइंग टू गिव यू न्यू कंटेंट एवरी फ्यू डेज, जब भी पॉसिबल हो पा रहा है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। अभी आप लोगों के लिए बाय बाय, पर अभी मैं अपना वीडियो एडिट करूंगी थोड़ी देर में और फिर सो जाऊंगी। बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।